दोस्तों दूसरे T20 से ठीक पहले बुरी तरह फंस गई है टीम इंडिया। दो सबसे बड़े खिलाड़ी हुए टीम इंडिया से बाहर। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कौन से खिलाड़ी हुए हैं टीम इंडिया से बाहर, बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेल रही है, जिसके पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को आसानी से 6 विकेट से हरा दिया था। उस शिकस्त के बाद भारतीय टीम की नजरें अब दूसरे T20 मुकाबले पर होने वाली है, जो कि एक बेहतरीन मुकाबला, क्योंकि इस मुकाबले में अगर भारतीय टीम को जीत मिलती है तो भारतीय टीम इस सीरीज को अपने नाम कर लेगी। बताए दोस्तों ओडीआई श्रृंखला इससे पहले हुई थी, जहां भारतीय टीम ने 3-0 से अजय सीरीज जीती थी। ऐसे में अब उसकी यही नजरें होंगे कि इस T20 सीरीज को भी जीत लिया जाए, लेकिन यह राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि कई खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों टीम इंडिया को बड़े झटके लगे हैं और 2 खिलाड़ी एकाएक टीम से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब कप्तान रोहित और टीम मैनेजमेंट के सामने काफी बड़ी बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं कि उनको प्लेइंग 11 किस तरह से तैयार किया जाए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कौन से वो खिलाड़ी हैं जो दूसरे T20 मुकाबले से पहले बाहर हो गए हैं। दोस्तों भारतीय टीम को आज के दिन 18 फरवरी को 7 बजे से भारतीय समय अनुसार वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा T20 मुकाबला खेलना है। यह मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं 2 खिलाड़ियों की जो बाहर हो गए। पहले खिलाड़ी हैं दीपक चहर। जी हाँ दोस्तों, दीपक चहर को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है। तो वो चोटिल हो गए थे, जिस वजह से उनको टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों पोलार्ड की एक गेंद उनके हाथ में लगी थी, जिस वजह से वो आखिरी ओवर भी नहीं डालने आ पाए थे और उनको टीम इंडिया से इस मुकाबले में बाहर करने की राह निकल आ रही है। लेकिन दोस्तों जो दूसरा खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर हुआ, वो कोई खिलाड़ी नहीं हुए, एक बहुत बड़ी दिक्कत भारतीय टीम के ऊपर आ चुकी है, जिसकी वजह से उसे बाहर करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों दीपक चहर तो चोट की वजह से बाहर हुए, लेकिन दोस्तों अगला जो खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर हुआ है वो है ईशान किशन को दोस्तों टीम इंडिया ड्रॉप करने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन के इंडिया के सबसे महंगे खिलाड़ी यहां पर ईशान किशन को टीम इंडिया बाहर करने का रास्ता ढूंढ रही है, और अब बताया जा रहा है कि दूसरे T20 मुकाबले में उनकी जगह पर कोई और खिलाड़ी ओपनिंग करेगा और ऋतुराज गायकवाड़ खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पर ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से किस खिलाड़ी को ओपनिंग करनी चाहिए, हमें अपनी राय नीचे कॉमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें इसी तरह की खबरों के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।